नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले यार सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। और करो लाइक सब्सक्राइब शेयर, चैनल को बढ़ाओ। सभी को मालूम है कि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आज इंडिया का और वर्ल्ड का नंबर वन हॉर्स रेसिंग चैनल है, जो कि पेड टिप्स के नाम से जाना जाता है। नॉट फ्री टिप्स। और एक डिस्क्लेमर है पेड टिप्स में भी कि नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म बेट। हम हमारी स्टडी अच्छी करेंगे, आउट ऑफ बेस्ट बेस्ट निकाल के देंगे, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। और जो भी व्यक्ति आपको कह रहा है श्योर शॉट, गन शॉट, कन्फर्म बेट, ये वो फलाना ढिकाना, वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि रेसिंग बच्चों का खेल नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ रेसिंग में लोगों का पैसा लगता है और बड़ा सेल्फ रेस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग है ये। यहाँ पैसे का जोखिम है, अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। तो इसे सोच के समझ के और जितने भी भाई वीडियो देखते हैं बड़े ध्यान से अपने ओन रिस्क पे खेला करो। वैसे आज तक का रिकॉर्ड रहा है ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस ने जो भी बोला है रेसिंग में, सत्य बोला है और तथ्य बोला है। चाहे एक दो टिप्स दिए फ्री में, लेकिन सभी बोर्ड पर रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार 90% लोगों का क्या है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं कि सर आज क्या दिया था मैसूर में, आज क्या दिया था। क्योंकि आज ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को काफ़ी टाइम हो चुका है रेसिंग के माध्यम से, काफ़ी टाइम। आप लोगों ने देखा होगा ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आज नहीं, काफ़ी दिनों से बोल रहा है कि कितना टाइम हो चुका है। और बिल्कुल जेन्युइन चैनल है और जो भी बोलते हैं ना सब के बोल के चलते हैं। थोड़ी नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, हाँ भाई, क्योंकि यही हमारा पैशन है, यही हमारा प्रोफेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। एक हॉर्स लाइफ बदल सकता है लोगों की। तो 8 रेस का कार्ड बनाया है बेंगलोर में, और उसके बाद कल भी 8 रेस का है। उसके बाद जो सेशन चलेगा 20 से, तो लगातार चलेगा। तो हमारा मंथली पैकेज और सिंगल डे पैकेज चल ही रहा है। रेसिंग के लवर लोगों को सबको मालूम है, हमारी टीम पूरी प्रसन्न है, सभी खुश हैं, ऊपर वाले का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, और खुशियाँ हम बांटते। चलो सबके बारे में अच्छा सोचो, आपका भी अच्छा होगा। लेकिन रोज़ नियम नित्य कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से अपने आप को सांचे में ढालो, तभी जाके सब कुछ अच्छा होगा। तो आते हैं 8 रेस में। पहली रेस फिफ्थ क्लास की है शायद, हाँ फिफ्थ क्लास की बनाता है। मैंने एक फ्री ग्रुप में बता दिया था आज सुबह भी कि फ्री ग्रुप में बोला था पहली रेस स्किप कर देना, इधर फेवरेट जो होगा प्लेस ही खेलना, और वो प्लेस ही हुआ। अब कई भाइयों के मैसेज आ जाते हैं सर आपने क्या दिया था, तो दिखा देता हूँ, देख लो आप। ये है टाइमिंग, ये सिंगल चॉइस है हमारी, सिंगल चॉइस जो बुकिस में खेलते हैं, ठीक है। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस जो बोलता है ना सत्य बोलता है, ऐसा किसी ने आपको टिप्स दिखाया है? रेस टू रेस दिखाई होगी, 1 घंटे पहले हम टिप्स देते हैं, सभी को मालूम है। और इसके बाद हमारी एक किताब आती है, जैसे बोल की किताब आप लोग देख रहे हैं ना वैसी, जिसमें हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं, फ्लूक और बड़े फ्लूक होते हैं, और एक कमेंट्री होती है कि कैसे खेलना है, ठीक है। तो पहली रेस में 10 को प्लेस ही बोला था, प्लेस ही हुआ, और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसके बाद में बताता हूँ, सुनना। सेकंड रेस में 1 win place लिखा, विन हुआ। थर्ड रेस 3 win place, विन हुआ। फोर्थ रेस 1, ये आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 की place बैट्रिक्स की दी हुई थी, फ्लूक में प्लेस लिखा हुआ था। और एक चीज़ बता दूँ, फ्लूक जो हम देते हैं वो अगेंस्ट सिंगल चॉइस के देते हैं, कि अगर कोई 1 खेल रहा है तो उसके साथ 2 को अगर खेल ले तो डबल अमाउंट हो सकता है। बट अभी भी कह रहा हूँ नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म बैट। हम हमारी स्टडी करने के मुताबिक बताते हैं, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। फिर उसके बाद 8 place ही दिया था, क्योंकि सबको मालूम था वहाँ 11 तो हॉट फेवरेट होगा ही 50 पैसे का, 8 place खेल लेना, 11-8 थी। फिर उसके बाद 9 की place ही दी थी, क्योंकि ये रेस डेंजर थी और ये सब गुड बैट थी। लास्ट में 7 की place ही दी थी, बोला था कि ये 7 place ही होगा, क्योंकि यहाँ दूसरा घोड़ा भी है। अब देखो मज़े की बात दिखाता हूँ, देखो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, 7 की 7 आ गई बोर्ड पे। ये सिंगल चॉइस है जो बुकिस में खेलते हैं, क्योंकि हमारी टीम में 50% लोग हैं जो टोट में खेलते हैं, क्योंकि उनकी आदत हो गई है। अब ये रिजल्ट भी आपको दिखा दूँ, यहाँ देखो 11-10-3-12 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और एज इट इज़ हमारा रिजल्ट था, हमारे पास 11 भी था, 11 को हमने स्पेशल प्लेस लिखा हुआ था फ्लूक में, और अच्छे 4 के भाव से घोड़ा जीत गया। 10 place ही लिखा था सिंगल वालों के लिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगाते हैं सिंगल वाले इसलिए। और जो ये है क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे भाई लोग, ये लोग लगाते हैं क्या, छोटे छोटे अमाउंट लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड रेस। सेकंड रेस में हमने 1 ही बोला था, ठीक है। टिया मारिया भी एक बोला था कमेंट्री में, टिया मारिया बड़े भाव से आ गया। थर्ड रेस में फेरेटी को भी बोला था, और लैंड ऑफ इसको प्लेस दिया था, फ्लूक में प्लेस लिख दिया था। फ्लूक जो देते हैं, जैसे 8 रेस है
तो 8 रेस में 4 फ्लूक दे दिए, जिसमें प्लेस लिखेंगे मतलब वो फ्लूक आने के चांस है, और जिसमें नहीं लिखेंगे वो 4 का भाव, 8 का भाव, 5 का भाव, वो रिस्की हो जाता है। तो और उसके बाद फोर्थ रेस भी एज इट इज थी, मैट्रिक्स को प्लेस दिया हुआ था, बट यहाँ पर सर कैलकुलेस को हमने सोचा था थर्ड लगा देगा, ये फोर्थ हो गया। और उसके बाद फिफ्थ रेस 11-8-2 सबको मालूम है। उसके बाद सिक्स रेस 14-13-9, तो 9 की प्लेस दी थी, 14 अमोनिया सभी को मालूम है फ्लूक मारा है, इसीलिए सोच समझ के टिप्स देनी पड़ती है। और लास्ट रेस में 4 को फ्लूक में दे रखा था, 4 विन हो गया, और फ्लूक ही था वो, क्योंकि मूनलाइट क्वीन फेवरेट होगा मुझे मालूम था, और खाने वाले भी हमारी टीम में, खिलाने वाले भी। ठीक है, अब रही, हम तो हैं डे बेस्ट के मास्टर, तो डे बेस्ट में आपको बता दें, डे बेस्ट में क्योंकि ऐसे आप कितनी भी टिप्स खेल लो, क्योंकि हमारा काम तो टिप्स देने का, चाहे एक दो टिप्स दें, लेकिन कोशिश करते हैं जिसको सब लोग खेलें और वही बोर्ड पे रहने की कोशिश करते हैं। फिर भी कहते हैं कि ये रेसिंग है बच के अपने रिस्क पे। थर्ड रेस में फ्लूक एक नंबर को दिया हुआ डे बेस्ट, तो आई थिंक एक नंबर आ जाएगा मुझे लगता है कल, क्योंकि स्टडी के मुताबिक निकल रहा है 1 विन। ठीक है, बाकी 2 और 3 दो हॉर्स हैं यहाँ पर, आई थिंक 2 सेम बंच का है तो प्लेस लगा सकता है, बट मेरे ख्याल से 2 पे इनायत शकलेन है और 3 पे इनायत है, तो रिजल्ट एज इट इज होना चाहिए। जो भाई भाव खोजते हैं वो 2 पे चले जाएँ या 3 पे चले जाएँ, प्लेस मिल जाएगी, बट 1 की तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, बाकी रेसेस पेड टिप्स में प्रोवाइड कराएंगे, हम सच बोल के चलते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन है मेरा, पैशन साथ में प्रोफेशन, और जो भी बोलेंगे रेसिंग में सत्य बोलेंगे, ये अच्छी आदत नहीं है। संभल के खेलें, पेशेंस से खेलें, और कुछ अच्छा रहेगा तो मैं फ्री ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोगों की वजह से आज ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस काफ़ी मेहनत कर रहा है यार, और इंटरनेशनल भी रोज़ डाल रहा हूँ, सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया डाल रहा हूँ, शाम को यूके डाल रहा हूँ, बट इंडिया होने के बाद क्या है, फुल फोकस इंडिया पे करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया काफ़ी लोग करते हैं, सारी टीम प्रसन्न है। एक बार और सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए, और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है, आप लोगों को बता दिया है, पढ़ना पड़ता है काफ़ी। ठीक है, और ऐसे उठा के देना है तो बुक आपके हाथ में है 30 रुपये की, आराम से खेलें, मस्त रहें, लेकिन पेशेंस से खेलें अगर आपका ये पैशन है तो। ठीक है, और थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।